हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारे से एक छोटे से स्टोरेज सेट का एक रिव्यू, जो कि मेरे हिसाब से आपके किचन में होना बहुत ही जरूरी है। कि आज मैं आपके सामने विनोद क्राफ्ट स्टेनलेस स्टील के स्टोरेज बॉल सेट का एक ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने करने जा रहा हूँ। ये विनोद के बहुत ही पॉपुलर स्टोरेज सेट हैं जो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। आप किसी भी ऑनलाइन साइट पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर रहते हैं और मुझसे बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जानने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। ये जाना था कि ये इंडक्शन कंपेटेबल है या नहीं, क्या ये फूड ग्रेड है या नहीं, ये जो बॉल्स हैं इसको हम कुकिंग या रीहीटिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। दोस्तों, अक्सर हम अपने घर में कुकवेयर तो आजकल के वक्त में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है सर्व करने की या स्टोर करने की फूड को, तब हम प्लास्टिक या दूसरे घर के ऑर्डिनरी यूटेंसिल्स का ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, जबकि वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि प्लास्टिक में या किसी एल्युमिनियम के बर्तन में अगर हम अपना खाना स्टोर करते हैं, सर्व करते हैं, तो उसमें मौजूद टॉक्सिन्स हमारे खाने में घुल जाते हैं और हमें अंदर से बीमार करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप फूड की प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं, तो फूड को न केवल पकाना बल्कि उसको सर्व और स्टोर करने के लिए भी आपको हाइजीनिक यूटेंसिल्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लुक्स की। देख, तो आपके सामने ये बॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाहर से इसकी यहाँ पे आपको मैट फिनिश दी जाती है ताकि आपके हाथ से ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी ना बन जाए, और अंदर से ये मिरर फिनिश के साथ आता है। इसका एक फ़ायदा आपको बताता हूँ, इसमें अगर आप करी सर्व करते हैं, आप कोई भी सब्जी सब सर्व करते हैं जो कि चिपचिपी है, जो स्टिकी होती है, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होती है, बिकॉज इसको बाद में क्लीन करना बड़ा ही आसान होता है। इसमें मैंने राजमा, शाही पनीर इस जैसी सब्जियों को सर्व करके देखा है, और बाद में यकीन मानिए ऐसे जो स्टोरेज सेट होते हैं इनको क्लीन करना बड़ा ही आसान होता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इस तरह के स्टेनलेस स्टील के स्टोरेज सेट का ये है कि बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाते हैं। दूसरी बात, इनकी कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी खासी है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे कैपेसिटी आपको मिल जाती है, और ऐसे 3 बॉल आपको इस सेट में मिल जाते हैं। आप चाहें तो 4 बॉल्स का सेट भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज इसका यह है कि आज के वक्त में अगर हम जैसे सब्जी बहुत ज़्यादा, जैसे साग सब्जी है, हरे साग की सब्जी हम अपने घर में बनाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो ऐसे में अगर आपकी सब्जी बच जाती है, तो उसको आप इसमें डेफिनेटली डाल के स्टोर करके रख सकते हैं, और इसके साथ मिलने वाले स्टेनलेस स्टील के लिड के साथ उसको प्रॉपरली ढक कर डायरेक्टली आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आपकी फ्रिज भी मैसी नहीं होगी, आपकी किचन भी गंदी नहीं लगेगी, बिकॉज ये दिखने में इतने सुंदर हैं, ये आपकी पूरे किचन के डेकोर को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे। डाइनिंग टेबल पर रखिए, किचन शेल्फ पर रखिए, फ्रिज में रखिए, हर जगह ये आपके बहुत ही काम आएगा। जिस समय आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे और ये यूजेज में नहीं आ रहा, उस समय आप इसको आराम से वॉश करके इस तरह से एक के बीच में एक करके रख सकते हैं। तो ये स्टैकेबल भी हैं, बिल्कुल भी आपकी किचन की एक्स्ट्रा स्पेस ये कंज्यूम नहीं करेंगे, बहुत ही कॉम्पैक्ट बन जाते हैं, एक के बीच में एक इसको आप रख के साइड पे कहीं पे भी रख सकते हैं, और ये पड़े हुए भी बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये इंडक्शन कंपैटिबल है या नहीं। तो दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि इंडक्शन कंपैटिबल है या नहीं। मैंने इसका एक प्रैक्टिकल रिव्यू करके देखा था, मुझे ये इंडक्शन फ्रेंडली नहीं लगे। तो अगर आप ये कोई ऐसा स्टाइलिश, एलिगेंट और सेफ स्टोरेज सेट ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली विनोद की ओर से मिलने वाले ये स्टेनलेस स्टील स्टोरेज सेट को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के और भी बहुत सारे रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग वीडियोज़ मैं लेकर ही आता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को जरूर ही जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।